हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे। आप सभी को पता है एजी टुडे के द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चला जा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट के लिए चला जा रहे हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, जो हमारा पार्ट फर्स्ट है, वो हमारा फिजिक्स का है, ठीक है। तो जिसको भौतिकी भी कहते हैं, और ये सारे जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी आपका एग्जाम है वो रिपीट होते रहते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हमने क्या किया है, सिलेक्ट किया आप लोगों के लिए, और भी नए क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं जो उनके आसपास क्वेश्चन हैं और वहां से आपका बन सकता है। तो ये सारे एग्जाम जितने भी लिखे गए हैं, ये जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम होंगे, चाहे वो स्टेट के होंगे चाहे वो सेंटर के होंगे, सबके लिए एप्लीकेबल है। आप आराम से हमारे वीडियोज को देख सकते हैं। और एक और चीज का ध्यान रखिएगा, एजी टुडे के द्वारा जितने भी आपके लेक्चर चलाए जा रहे हैं वो सारे आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहे होंगे। और ये जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सारे जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के होंगे, आपके सेंट्रल लेवल के होंगे, सबके लिए एप्लीकेबल है। आपके हिस्ट्री के जैसे एमसीक्यू चला जा रहे हैं, सब चीज लिखा हुआ है यहाँ पर। कंप्यूटर के एमसीक्यूज भी चला जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जनरल स्टडी भी चला जा रहा है, एडवांस मैथ्स और आपका बेसिक मैथ्स भी चलाया जा रहा है। तो आप देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके, वहां पर आपको हर एक चीज मिल जाएगी। और यहाँ पर आपका क्या है, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री एमसीक्यूज भी चलाए जा रहे हैं। रीजनिंग बेसिक और एडवांस दो लेवल की होती है, दोनों लेवल की आपको मिल रही है। जनरल साइंस हो गया और करंट इश्यूज भी मिल रहे हैं। इसमें हमने योजनाएं को भी हमने क्या किया, इसमें इंक्लूड किया हुआ है, तो आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। हमने ये सोचा है कि यूपीएससी का, जैसे आप लोग आईएएस का एग्जाम देते हैं, तो आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, तो पीसीएस के एग्जाम के लिए भी आपका जो रिटर्न होगा वो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित हो जाएंगी ये योजनाएं। और यहाँ पर जितना भी अच्छा लिखा होगा आप लोग उनके नोट्स बना लीजिए, और बाकी जब आपका रिटर्न का एग्जाम होगा, मेंस होगा यानी, तो आपको काफी फायदा होगा, ठीक है। और एक और चीज ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, एक उत्तराखंड एग्जाम है, और उत्तराखंड एग्जाम को हमने स्पेशली थोड़ा ध्यान दिया है कि उत्तराखंड के बच्चों की हमें काफी रिक्वायरमेंट आई, तो उनके लिए हमने क्या किया, आपका हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड डालना स्टार्ट कर दिया है। फैक्ट्स ऑफ उत्तराखंड उसमें मिल जाएगा आपको, उत्तराखंड के पेपर्स उसमें हम सॉल्व करके डाल रहे हैं, और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ उत्तराखंड के बनाए जा रहे हैं, और बाकी स्टेटों के भी बनाए जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसमें क्या है, जितने भी जैसे पीसीएस लेवल का एग्जाम होता है, सबके सब जितने पीसीएस हो गया और आपका एनटी हो गया, नायब तहसीलदार होता है, ठीक है, तो उसके लिए भी ध्यान दीजिए उत्तराखंड के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इनको भी पढ़ लीजिए, और बाकी उनके स्टेट्स के लिए भी हम जल्दी आएंगे। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं आज फिजिक्स के एमसीक्यूज के बारे में। तो देखिए, जैसा यहाँ पर आपको सबसे पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है, यहाँ पर लिखा है एएसएलवी। एएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है आपका, एग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तो एएसएलवी जो एएसएलवी आपका 1987 में स्टार्ट हुई थी, ये बनना स्टार्ट हुई थी, ये एक तरीके का लॉन्च व्हीकल है जिसमें क्या करते हैं, उपग्रह को हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं अर्थ के बाहर सर्फेस में, ठीक है। तो 1987 में इसका स्टेबलाइज हुआ था। और एक और चीज है कि जो एएसएलवी है, तो एएसएलवी मतलब 100 से आपका 150 केजी तक का क्या कर सकती है, उपग्रह को उठा सकती है। तो इतना कभी कभी रेंज पूछ लेता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो एएसएलवी है ये कितने चरण का है, चरण का मतलब है उसमें फ्यूल के लेवल कितने होते हैं, तो पांच प्रकार का है, ये पांच चरण का लेवल होता है, ठीक है, इसमें पांच चरण का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में क्या कहा गया है, ये कहा है कि जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च हुई थी, ठीक है, मतलब लॉन्च व्हीकल जो सबसे पहला उपग्रह भेजा गया था, किसके द्वारा भेजा गया था, वो आपका SLV-3 था, जो सबसे पहला जो आपका डेवलप हुआ था, ठीक है, मतलब पहला सैटेलाइट भेजा गया था, तो SLV-3 से भेजा गया था। और SLV उस समय सबसे पहला इंडियन ने इसको क्या करा था, डेवलप करा था। SLV का मतलब होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ओके। और ये आपका 1980 में डेवलप हुआ था, और इससे क्या किया गया था आपका, तो इसमें रोहिणी को छोड़ा गया था, ठीक है, इसमें रोहिणी एक जो आपका पहला वो माना जाता है कि जो देश की सरफेस से छोड़ा गया था, तो रोहिणी था वो आपका, ठीक है, ये आपका श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था, श्रीहरिकोटा। और ये श्रीहरिकोटा कहां पड़ता है, ये श्रीहरिकोटा आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो इसलिए को याद रख लीजिए। तो श्रीहरिकोटा से रोहिणी छोड़ा गया था। अगर मैं आपको प्रॉपर डेट बताऊं तो ये समझ लीजिए 18 जुलाई 1980 को रोहिणी छोड़ा गया था। और किससे छोड़ा गया था, SLV-3 से छोड़ा गया था। ये SLV है, सबसे पहला सैटेलाइट बनाया, सबसे पहला लॉन्च व्हीकल बनाया गया था जिससे हम उपग्रह को छोड़ते थे। और एक और चीज का ध्यान रखना है, जो ये उपग्रह उठाता है, मतलब कितना भार उठाता था, 40 kg उठाता था, देखिए। तो उसके बाद डेवलप हुई थी आपकी ASLV, जो आपके 100 से 150 kg को क्या करता था, भार को उठाता था। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। और कभी कभी आपसे अगर ये पूछ ले जाए ये कितने चरण वाला आपका व्हीकल है, तो ये आपका 4 चरण वाला व्हीकल है, ओके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसा आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि जो जीएसएलवी है,
ठीक है, जो आपका टाइप ऑफ फ्यूल, किस टाइप ऑफ फ्यूल का मतलब जीएसएलवी में कौन से टाइप का फ्यूल क्या करते हैं हम डालते हैं। तो ये आपका क्या है, सॉलिड इन फर्स्ट स्टेज। और जो जीएसएलवी है, तो एक चीज का ध्यान रखिए, जो जीएसएलवी है वो आपका थ्री चरण का है। थ्री चरण का मतलब इसमें क्या है, थ्री पीस होते हैं जिसमें क्या होते हैं, हम फ्यूल को डालते हैं। तो फर्स्ट स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज आपका ठीक है सॉलिड डलता है, और सेकेंड स्टेज में क्या आता है, लिक्विड डलता है। और सबसे पहली बात है, जो जीएसएलवी है बहुत हैवी वेट उठाती है। अगर हैवी वेट की बताए तो जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो 1800 केजी के आसपास की वेटों को उठाती है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और जो जीएसएलवी की जो पहली उड़ान भरी गई थी वो 2001 में भरी गई थी। अगर आपको प्रॉपर डेट बताया जाए तो ये जो 28 मार्च, ठीक है, 28 मार्च को ये क्या की गई थी, 2001 में आपकी पहली जो आपकी सैटेलाइट है जो जीएसएलवी के द्वारा छोड़ी गई थी, पहला जो सैटेलाइट है वो छोड़ा गया था जीएसएलवी के द्वारा, ठीक है। आगे बात करते हैं, व्हेन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप, तो ये जो इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये बना कब था, मतलब यहां पर बात कर रहे हैं इसरो की, ये नहीं पूछ रहे कि जो आपने जो ये है क्या बोलते हैं जो रिसर्च जो ऑर्गेनाइज मतलब ये है कि इंडियन स्पेस रिसर्च की जो समिति थी, ठीक है, कमेटी थी, कब गठित हुई थी। कमेटी तो आपका 1962 में गठित हुई थी, बट अगर ही बात की जाएगी इसरो की, तो इसरो जो आपकी, तो 15 अगस्त 1969 को की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1969 को भी थी। और एक और चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अगर मैं कहूं कि जैसे 1962 को क्या आपकी कमेटी जो आपकी राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति थी वो आपकी 1962 में बनाई गई थी। और अगर आपसे कभी कभी ये पूछा जाए कि इसका जनक कौन है, मतलब अगर एक तरीके से कह सकते हैं कि फादर कह सकते हैं, ठीक है, तो फादर कौन हो जाएगा इसका, तो वो डॉक्टर विक्रम साराभाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है, तो विक्रम साराभाई हो जाएंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और एक और चीज अगर थोड़ा सा बता दूं, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि ये बोले कि जो भारतीय अंतरिक्ष, ठीक है, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति ने जो आपका संगठन बनाया था, इसरो बनाया था, तो वो तो आपका 1969 में बनाया गया था। बट अगर ये पूछ लिया जाए कि मतलब जो ये अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक तरीके से चलाने के लिए, एक तरफ से चलाने के लिए, तो इन्होंने क्या किया था 1972 में, ठीक है, 1972 में इसके दो पार्ट बनाए थे। दो पार्ट कौन कौन से थे, एक तो था आपका आयोग था, अंतरिक्ष आयोग, तो हिंदी में लिख लेता हूं यहां पर मैं, तो एक था आपका अंतरिक्ष आयोग, ठीक है, एक आपका अंतरिक्ष आयोग था, और एक था आपका अंतरिक्ष, ठीक है, एक था आपका अंतरिक्ष विभाग, तो एक था आपका अंतरिक्ष विभाग, ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं, तो आप भी बना लीजिए यहां पर अंतरिक्ष विभाग, ओके। अगर राइटिंग में प्रॉब्लम है तो मैं बोल रहा हूं, आप लिख सकते हैं। तो 1972 में क्या कहता था, मतलब यही जो आपका राष्ट्रीय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान है, उसने क्या कहता है, इनको 1972 में इनके दो टुकड़े कर दिए थे। और जो इसरो था, इसरो किस में आता है, आपके विभाग में आता है, तो इसी को ध्यान रखिएगा, जो इसरो था अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पहले ये पूछ लिया जाए कि जो पहली उड़ान, ठीक है, जो पहली उड़ान आपकी भरी गई थी वो कब भरी गई थी, तो वो आपका 21 नवंबर, तो वो आपका 21 नवंबर 1963 में आपकी उड़ान भरी गई थी, और ये आपके थुम्बा से भरी गई थी, ठीक है, और थुम्बा भूमध्य रेखा में पड़ता है एक जगह। और अगर बात की जाए कि कौन सा केंद्र था, तो ट्रिल्स केंद्र था, ठीक है, तो ट्रिल्स केंद्र था, आपको बता दिया, ट्रिल्स केंद्र ठीक है, अमेरिका के वहां पड़ता है, और अमेरिका के वहां नहीं पड़ता है, ट्रिल्स से छोड़ा गया था। और एक और चीज का ध्यान रखना है कि अमेरिका द्वारा जो ये 21 नवंबर 1963 को जो इंडिया का एक वो छोड़ा गया था, साउंडिंग रॉकेट छोड़ा गया था, और बता देता हूं आपको, एक साउंडिंग रॉकेट छोड़ा गया था, और ये जो साउंडिंग रॉकेट था, ठीक है, इसका अगर नाम पूछा जाएगा तो नाइक एपास, ठीक है, नाइक एपास, तो नाइक के पास ध्यान रखिएगा, ये इंडिया का रॉकेट था और अमेरिका द्वारा ही बनाया गया था, और ट्रिल्स से छोड़ा गया था, और थुम्बा, कभी कभी ऐसी बात था कि थुम्बा भूमध्य रेखा से ये आपका छोड़ा गया था। और अगर आपसे ये पूछ ले जाए कि जो आपकी, ठीक है, जो एक कार्यक्रम था, मतलब कहां से स्टार्ट किया गया कार्यक्रम, जो ये है ना अंतरिक्ष का जो कार्यक्रम, देखो आपको 1962 में तो वो किया गया था, स्टार्ट ही किया गया था, आपको पता है एक समिति बनाई गई थी, तो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, तो ये कार्यक्रम ऐसा ही स्टार्ट हुआ था कि नवंबर 1963 से ये स्टार्ट हुआ था, और आपको 1963 से इसका कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। और कभी कभी ये पूछ लेता है कि जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था वो कहां से स्टार्ट हुआ था, तो ये आपका तिरुवनंतपुरम, आपको पता ही कहां है, तिरुवनंतपुरम
ये तिरुवंतपुरम से स्टार्ट हुआ था और तिरुवंतपुरम में है आपका एक सेंट मैरी, यहां पर लिख देता हूं मैं, यहां पर आपका सेंट मैरी, ठीक है, सेंट मैरी, ठीक है, सेंट मैरी ये एक चर्च था, ठीक है, अगर पूरा नाम है सेंट मैरी मैकडेलन, ठीक है, मैकडेलन, तो ये भी ध्यान रख लीजिए, कभी कभी यही पूछ लिया जाएगा आपसे मैकडेलन, ठीक है, तो मैकडेलन, तो सेंट मैरी मैकडेलन एक तरह का चर्च था, उसके एक कमरे से स्टार्ट हुई थी, और जो पहली आपकी उड़ान भरी गई थी या फिर आपका सैटेलाइट छोड़ा गया था, और वो जो सैटेलाइट थी वो ये नाइक के पास, वो अमेरिका द्वारा निर्मित थी और 21 नवंबर 1963 को ये छोड़ी गई थी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इतना इन्फॉर्मेशन शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा हो गया है, कोई बात नहीं, पर आप अच्छे से अगर इन वीडियोज़ को देख लेंगे, रिपीटेशन करते रहेंगे, तो आपका श्योर है कोई भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है आपका, बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है, और इसरो, ठीक है, इसरो का आपका क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ओके, इसरो की मैंने बता दी आपको। और बात करते हैं यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है इंडियन स्पेस रिसर्च के बारे में, तो यहाँ पर देखिए द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च इन आर्यभट्टा, तो हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि जो पहली सैटेलाइट थी वो आर्यभट्टा की गई थी, ये आपके 19 अप्रैल 1975 को ये आपकी छोड़ी गई थी, ठीक है, और ये एक तरीके से कह सकते हैं कि विज्ञान संबंधी थी, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक के लिए ये आपकी छोड़ी गई थी, ओके। बात करते हैं, ये कह रहा है कि ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस, मैंने आपको अभी बताया, तो ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, और इसरो रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस, बिल्कुल ये भी सही है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि इसरो वाज सेटअप इन 1962, ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले बताया ना, ये जो इसरो बना था जो 1962 था, सिर्फ उसमें क्या किए, एक कमेटी बनाई गई थी भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान वाली, और जो इसरो बनाया गया था, तो इसरो आपका 15 अगस्त, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, 1969 को बनाया गया था, इसलिए ये आपका गलत है, तो यही आपको बताना था। तो अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर एक और ये कह रहा है कि IRNSS है क्या, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, तो जो IRNSS है ये आपका एक नेविगेशन सैटेलाइट है, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर ये कह रहा है कि हु वाज द इंडियन फर्स्ट मैन वुमेन इन द स्पेस, ये कह रहा है कि मतलब मैन और वुमेन में जो आपकी पहली बार है कौन गया, तो वो आपका राकेश शर्मा गया था, ठीक है, और दूसरी चीज का ध्यान रखिए, राकेश शर्मा कब गया था, ये राकेश शर्मा गया था आपका 3 अप्रैल 1984 में गया था, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर ह्यूमन की बात की जाएगी, ऐसी ह्यूमन कौन है जो आपकी अंतरिक्ष में गई थी, तो आपकी कल्पना चावला थी, ठीक है, कल्पना चावला, ठीक है, तो ध्यान रखिए कल्पना चावला थी। और जो ये राकेश शर्मा है, तो ये कौन से उससे गया था, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है, सोयूज T2, ओके, ध्यान रखना है आपको सोयूज T2, तो यहां पर लिख देता हूं मैं सोयूज आपका T2, तो इससे क्या किया गया था, ये गया था, और ये कजाकिस्तान के, तो ध्यान रखिए कजाकिस्तान बैकानूर, ये बैकानूर उस समय पहले पूर्व, ठीक है, सोवियत संघ में पड़ता था, और तो ध्यान रखिए बैकानूर, ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं बैकानूर, तो बैकानूर से गया था ये, और कजाकिस्तान में, अभी ध्यान रखिए कजाकिस्तान, तो ठीक है, इसे ध्यान रखिए कजाकिस्तान, और ये वापस कब आया था, ये वापस आया था आपका 11 अप्रैल, ठीक है, 11 अप्रैल 1984 को ही वापस आया था, तो ध्यान रखिए ये एक स्क्वाड्रन लीडर था, ये आपका क्या था, स्क्वाड्रन लीडर था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कल्पना चावला के बारे में, थोड़ी बात कर लेते हैं, जब यहाँ पर आपकी पहली वुमेन आपकी कल्पना चावला गई थी, पहले तो सबसे पहले ध्यान रखिए अमेरिका नागरिक थी, ठीक है, अमेरिका नागरिक थी, मतलब भारतीय अमेरिकी नागरिक थी, इसलिए इसका इनका नाम सबसे पहले आ जाता है, ओके। और एक और चीज का ध्यान रखना है कि जो ये आ रही थी, जब ये वापस आ रही थी, तो 1 फरवरी 2003 को इनकी क्या हो गई थी, जो इनका कह सकते हैं ना सैटेलाइट था, जो आपका वो था सैटेलाइट था, जो वापस आ रहा था, तो जैसे ही वो क्या पृथ्वी के उस वायुमंडल में कह सकते हैं प्रवेश कर रहा था, तो वैसे ही क्या हो गया था, ये ब्लास्ट हो गया था, और इनकी दुर्घटनाग्रस्त में दुर्घटना हो गया था इनका वो, और इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है 1 फरवरी 2003, कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये कौन से मतलब मिशन में थी, मिशन ही कह सकते हैं इसको एक तरीके से, और तो ध्यान रखिए जो ये उस समय आपके, ठीक है, स्पेस में जा रही थी, तो वो किससे जा रही थी, तो वो आपका STS, ध्यान रखिए STS-107 में ही जा रही थी। और एक और चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आपके कोलंबिया के, ठीक है, अंतरिक्ष के कोलंबिया के मिशन में थी, ठीक है, कोलंबिया, तो यहां ध्यान रखिए कोलंबिया, तो ये कोलंबिया के मिशन में थी, और ठीक है, तो इस तरीके से इनकी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तो 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फिर हम आगे बात करते हैं।
अब जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है कि सतीश धवन, ओके लिखा भी है यहां पर, एसडीएससी क्या होता है आपका, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, जो सार भी है सिचुएटेड, ये कहां है, ये आपका श्रीहरिकोटा है, और श्रीहरिकोटा आपको पता ही कहां है आपका, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा। बात करते हैं तो चंद्रयान क्या है, तो देखो चंद्रयान है भारत के द्वारा आपका चंद्र में भेजने वाला, ठीक है, एक आपका क्या था स्पेस था, और एक और चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि 68वां स्पेस था, मतलब यह है कि जो काफी जितनी भी कंट्रीज है उन्होंने भेजा था, तो भारत ने जब भेजा था यह आपका 2008 में भेजा था, और यह आपका 68वां चंद्रयान, ओके 68वां चंद्रयान, या फिर हम 68वां क्या कह सकते हैं आपका स्पेस है, ओके। तो इतना आई होप आपको क्या होगा समझ में आएगा। अगर पूरी डेट बताऊं कब इन्होंने चंद्रयान भेजा था, चंद्रयान फर्स्ट भेजा था, तो वो आपका 22 अक्टूबर को भेजा था, 22 अक्टूबर 2008 को इन्होंने भेजा था, ओके। और एक और चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जो पहली बार अगर चंद्रमा में किसी ने भेजा है, ठीक है, तो अभी तो चंद्रयान है, ये क्या है, एक आपका लूनर प्रोब है, तो मतलब यह चंद्रमा भेजा गया था। और एक और चीज का ध्यान रखना है कि अगर जो अब पूछ लिया जाए कि पहली बार चंद्रमा में किसने भेजा था, तो आपका सोवियत संघ ने भेजा था, और सोवियत संघ ने कब भेजा था आपका 2 जनवरी 1959 में भेजा था, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला आपका सोवियत संघ ने भेजा था। वैसे भी अगर बात की जाए तो 1957 में, ठीक है, 1957 में ध्यान रखिए, 1957 में सबसे पहला स्पेस भेजा था आपका, जो आपका सोयूज था, ठीक है, तो सॉरी सोयूज नहीं, आपका स्पूतनिक, ठीक है, यहां पर लिख लेता हूं स्पूतनिक, तो जो सबसे पहला आपका वो भेजा गया था ना अंतरिक्ष में भेजा गया था, तो स्पूतनिक फर्स्ट भेजा गया था, किसके द्वारा भेजा गया था, रसिया के द्वारा भेजा गया था। और सबसे पहला अगर बोल सकते कोई प्राणी गया तो आपका एक लाइका नाम का एक डॉगी था, फीमेल डॉगी था, ठीक है, फीमेल डॉगी था वो, स्पूतनिक सेकंड, तो ध्यान रखे स्पूतनिक सेकंड, तो स्पूतनिक सेकंड छोड़ा गया था, ये भी एक महीने बाद, मतलब ठीक है, ये एक महीने बाद छोड़ा गया था, ओके, और ये भी 1957 में ही छोड़ा गया था, इसलिए ध्यान रखना कि सबसे पहला लाइका नाम का एक डॉगी गया था, ओके। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, और काफी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूंगा आपको, कम क्वेश्चंस होंगे पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा होंगे, ओके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही एक कहिए अलग तरीके से स्टडी के लिए आप एजुडो के साथ बने रहिए, और एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको मिलता रहेगा, ओके। एक बार अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।